आज हमारी जिला सिरसा की शक्ति केंद्र प्रमुख और पालक मंडल अध्यक्ष महामंत्री मोर्चों के जिला के अध्यक्ष और उससे ऊपर के कार्यकर्ताओं की एक बैठक, जिसमें पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सरकार में कोई चेयरमैन और अन्य जो चुने हुए प्रतिनिधि, ऐसे कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ पर हमने सिरसा में बुलाई थी। इस बैठक का मकसद एक तो जो मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा 6 तारीख को सिरसा ज़िले में आएगी, उसकी तैयारियों की समीक्षा इस बैठक में हुई। बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ इस यात्रा को लेकर के यहाँ पर चल रही हैं। इसके अलावा हमने पन्ना प्रमुखों का रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया है और वो सब पन्ना प्रमुख 8 सितंबर की रैली में शामिल होंगे, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे और इसके बाद 10 सितंबर से और 14 सितंबर वो कार्यकर्ता डोर टू डोर जाएंगे और हर बूथ पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 5 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं, प्रदेश सरकार की, इसके साथ साथ केंद्र सरकार की उपलब्धियां और हमने जो जन कल्याण के काम किए हैं, उनकी जानकारी भी आम जन तक पहुंचे, उनका लाभ भी आम जन तक पहुंचे, इस बात का प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हो और घर घर जाकर के वो इस प्रयास को सार्थक करें, इन सब बातों को लेकर के आज की ये बैठक जिला की हुई है। देखिए, तो केवल अभी मीडिया तक ही बात है कि कहीं कोई महागठबंधन होगा, लेकिन आप देखिए कि अब जो गठबंधन है वो जनता का गठबंधन चलता है। नेताओं का, पार्टियों का गठबंधन या तो बनता नहीं है, और बनता है तो वो चलता नहीं है। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव से पहले इस प्रकार के प्रयास हुए थे, जींद के उपचुनाव में भी इस प्रकार के प्रयास हुए थे, गठबंधन भी हुए, लेकिन क्या हासिल उन गठबंधनों का हुआ। चुनाव के तुरंत बाद जींद उपचुनाव में जेजेपी का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन लंबा चलेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते क्या असर उसका हुआ और आज उसी जेजेपी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया। उस समय बहुजन समाज पार्टी का और LSP पार्टी थी राजकुमार सैनी की, उसने गठबंधन किया। यानी कि जब 6 महीने से ज़्यादा कोई गठबंधन ही चलता नहीं है तो महागठबंधन तो होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ये जो इस प्रकार के गठबंधन, महागठबंधन होते हैं, अवसरवादिता के आधार पर होते हैं, उसमें कहीं मुद्दे नहीं होते। पूर्व में भी जो गठबंधन हुए थे, चाहे वो लोकसभा चुनाव में या जींद के उपचुनाव में, उसमें एक भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिनको लेकर के कोई दल सांझे आए हों, केवल और केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए। गठबंधन और महागठबंधन होना ये कभी चलता नहीं है, ये केवल अस्तित्व की लड़ाई है, इसके अलावा कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार जो प्रदेश में चल रही है और देश की सरकार के खिलाफ कि कोई मुद्दा हो और उस मुद्दे को लेकर के गठबंधन किया जाए। हमने यात्रा बहुत अच्छी होगी ये तो हमने विचार किया था, लेकिन इस प्रकार का समर्थन, इस प्रकार का आशीर्वाद उमड़ करके आएगा ये बात हमने भी नहीं सोची थी। जगह जगह के ऊपर यात्रा को इस प्रकार का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है और वो भी उस समय के अंदर जब कोई पार्टी या कोई सरकार, किसी पार्टी की सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करके अगले चुनाव में जा रही हो, उस समय तो उस पार्टी का विखंडन होता है।
उस पार्टी के साथ लोग टूटते हैं उस पार्टी से, और उस पार्टी के साथ एक रिजेंटमेंट उसके सामने खड़ा होता है। लेकिन ये पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हो रहा है कि गैर कांग्रेसी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई दोबारा बनेगी, और वो भी बड़े समर्थन के साथ बनेगी। पिछली बार हम 47 सीट जीत करके आए थे, 48 में हमने जींद उपचुनाव जीती, और बहुत सारे विधायक हमारे साथ अपना रिजाइन दे करके भी हमारे साथ आए हैं। तो ये सारा एक वातावरण इस प्रकार का है कि पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा होगा किसी पार्टी ने 47 सीट जीत करके और बहुमत हासिल किया, और बाद में उसकी 48 हो गई, और बाद में जब चुनाव आए तो उसके बाद जो नारा हमने दिया 75 पार, वो नारा सार्थक हो जाए। देखिए, जब राजनीति केवल परिवारवाद के आधार पर होती है, और जब राजनीति केवल निज हितों को लेकर के होती है, तो फिर कोई कितना ही बड़ा संगठन, कितनी बड़ी पार्टी हो, उसका ऐसा ही असर होता है जैसा आज कांग्रेस का हुआ। राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रांत तक कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार का विखंडन है, क्योंकि जनता ने देख लिया, या फिर हम इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, जनता इस बात को समझ गई है जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं उनका जब राज आता है तो राज भी केवल परिवार तंत्र, जो ऊपर से नीचे तक इनके परिवार, इनके रिश्तेदार, इनके निजी नज़दीकी लोगों का, केवल उन्हीं के लिए काम करता है। और जब राष्ट्रवादी ताकतें और राष्ट्र की सोच रखने वाली पार्टियों का राज आता है तो वो फिर राष्ट्र को लेकर के, प्रदेश को लेकर के, और सब जनता को ध्यान में रखते हुए वो काम करते हैं, उनके हित की बात करते हैं, उनको सत्ता का लाभ पहुँचता है। ये अंतर जब नज़र जनता को आ गया और जनता ने उसको स्वीकार कर लिया, इसके कारण से हताशा निराशा है, और उसी कारण से चाहे हुड्डा साहब की बात करें या चौटाला परिवार की बात करें, कोई मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बल्कि विखंडन की तरफ जा रहे हैं। साहब, चुनाव अकेले लड़ेंगे या अकाली के साथ लड़ेंगे? देखिए, अभी तक किसी तरह के गठबंधन की कहीं कोई बात नहीं है, और जब कोई इस प्रकार की चर्चा आएगी तब उस पर देखेंगे, आज के दिन ऐसी कहीं कोई चर्चा नहीं है। सर, क्या जी आपने अभी कहा जैसे अकाली दल से गठबंधन की बात नहीं हुई है, जबकि आपका सहयोगी रहे, क्या हरियाणा के अंदर चुनाव में इसको स्पष्ट कीजिएगा अकाली दल से गठबंधन? देखिए अभी अकाली दल के वरिष्ठ नेता चौधरी वीर बांझी मेहता हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे साथ हैं, लोकसभा चुनाव में डट कर के साथ हुआ हमारा, लेकिन अभी कौन कहाँ सीट पर लड़ेगा समझौते की या इस प्रकार की कहीं कोई चर्चा हुई नहीं है। अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत स्वाभाविक सा राजनीतिक मित्र बहुत लंबे साल तक इस देश के अंदर रहा है। बैठक हुई थी अकाली दल भाजपा छोड़ा नहीं, ऐसी कोई संयुक्त बैठक हमारी नहीं हुई, जब होगी तब आपको बताएंगे। देखिए, जब बात होगी तब आपको बताएंगे, सहयोगी तो हैं चुनाव, देखिए सहयोगी हमारे आज के दिन वो हैं। अब चुनाव गठबंधन में लड़ना नहीं लड़ना ये पार्टी बैठ करके फैसला करेगी, तब कोई बात आपके सामने रखेंगे। अभी तक तय नहीं हुआ। बलराज जी, काफी संख्या में जो विधायक भी दूसरे दलों से आए हैं, उनका आपका बड़ा वे भी टिकट चाहते हैं, तो ऐसे में पुराने जो कार्यकर्ता हैं उनका सम्मान कैसे होगा? देखिए, आप 2013 से देख रहे हैं, 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी का आगमन 15 सितंबर 2013 को रेवाड़ी में हुआ था, एक बड़ी जनसभा हुई थी, पूर्व सैनिकों की सभा हुई थी, और लाखों की संख्या में हरियाणा का पूर्व सैनिक उसमें अर्धसैनिक बलों के इस प्रकार के पूर्व सैनिक पहुँचे थे, और उसके बाद से जो वातावरण बदला था, बहुत सारे नेता छोटे बड़े भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आए थे, उस समय भी पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आए थे, वो चुनाव भी हमने लड़ा, जीता, 7 सीटें जीती, बाद में विधानसभा का चुनाव लड़कर के सरकार बनाई, बाद में 2019 के चुनाव में ऐसे और लोग साथ आए, 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीती, क्या कोई समस्या आई? भविष्य में भी इसी आधार पर काम होगा, ना कोई समस्या पहले आई और ना कोई समस्या भविष्य में आने वाली।